उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनकी आड़ में इस्लाम और हमारे खानदानी निजाम उसके ऊपर हमला ना। जी, इज इट अपोज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स प्लीज। यस आई अपोज इट। ये बिल बिल्कुल कोई जिस तरीके से सिगरेट कर रहे हैं डिस्क्राइब इस तरह नहीं करता। जेंडर आइडेंटिटी पर्सनल इशू है। अगर एक ट्रांसजेंडर फील करता है उसकी आइडेंटिटी फेमिनिन है, इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस। ये कहना जी मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा उसको सारा, ये उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी। हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरा को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव स्टेमन साहब। तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है वो सरासर गलत है, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनलाइज हो गया और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई उसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है ट्रांसजेंडर्स को और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और अगर पाकिस्तान हक देता है अपने शहरी को कि वो अपनी तीसरी आइडेंटिटी चूज करे तो ये उनका हक है। और हमारे पासपोर्ट में और आईडी कार्ड में ये है थर्ड चॉइस आइडेंटिटी की, वो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल फिर से विक्टिमाइजेशन और अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट से, सो वी अपोज इट। मेरी सजेशन है कि इसको अगर कमेटी में डिस्कशन कर रहे तो अच्छी बात होगी। चलिए ह्यूमन राइट्स को जैसे बाय द वे सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब एक सेकंड, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप सुन लें जी। चेयरमैन साहब एक सेकंड, ये ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल ठीक है, सब जुडिस तो कमेटी में डिस्कस करें, उसमें मौलाना फैज मोहम्मद साहब, हैदरी साहब और मौलाना ताऊ रहमान साहब भी आ जाएंगे कमेटी में। आई नो पुट द मोशन बिफोर द हाउस, दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। जी वोटिंग कराऊं, कमेटी को भेज के उधर डिस्कशन ले। जी ठीक है जी, कमेटी में जा रहा है जी। द मोशन इज कैरिड एंड लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल इज ग्रांटेड। जी आओ ऑर्डर नंबर 3, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 3। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। I beg to introduce the bill further to amend the Transgender Person Protection of Rights Act 2018, the Transgender Person Protection of Rights Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to Standing Committee of Human Rights.